हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं पॉपकॉर्न की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे हम घर पे 5 मिनट में बनाकर तैयार कर लेते हैं। आज का पॉपकॉर्न हम प्रेशर कुकर में बना के दिखाएंगे। फ्रेंड्स, कभी भी हम फैमिली के साथ घर पे टीवी देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, उस टाइम में हम इस रेसिपी को बना के थिएटर का मजा उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। इसे बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं। अगर आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। पॉपकॉर्न बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है 1 कटोरी मक्का। इसे पॉपकॉर्न बनाने वाला मक्का बोलते हैं। राई का तेल हमने 2 बड़ा चम्मच ले लिया है। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक हम स्वाद के अनुसार यूज करेंगे। तो चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हम एक प्रेशर कुकर रख के गैस को ऑन कर लेंगे। कुकर को हम गर्म होने देंगे। प्रेशर कुकर गर्म हो चुका है। अब हम इसमें तेल डाल देंगे। प्रेशर कुकर में पॉपकॉर्न बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए तेल को हम गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें मक्का को डाल देंगे। मक्का को हम अच्छे से गर्म होने तक तेल में भूनेंगे। तो कंटिन्यू हम चलाते हुए मक्का को गर्म करेंगे। आप देख सकते हैं मक्का गर्म हो चुका है। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम 1 चम्मच लाल मिर्च डाल रहे हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। बच्चों के लिए है तो थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकते हैं। इसमें हम 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे। 1 चम्मच हम नमक डालेंगे। मक्के के साथ हम मसाला को कुछ सेकंड के लिए अच्छे से भूनेंगे। मिर्च और हल्दी से कलर भी अच्छा आता है और पॉपकॉर्न टेस्टी भी लगता है। मक्का अच्छे से फूल गया है। आप देख सकते हैं एक एक मक्का पॉपकॉर्न बनने लगा है। तो हम अब क्या करेंगे, इसका कवर लगाएंगे। हमने ढक्कन का रबर और घिसी दोनों निकाल लिया है। अब हम इसे अच्छे से लगा देंगे। तो आप सुन सकते हैं प्रेशर कुकर से पॉपकॉर्न फूटने की आवाज आने लगी है। इसे हम तेज फ्लेम पे तब तक भूनेंगे जब तक इससे आवाज आता रहे। आप पॉपकॉर्न फूटने की आवाज सुन सकते हैं कुकर के अंदर, कैसे पॉपकॉर्न तैयार हो रहा है फील कर सकते हैं। जब आवाज बंद हो जाएगा फिर हम गैस को ऑफ कर लेंगे। कुकर से आवाज आना बंद हो गया है, हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। अब हम आपको ढक्कन खोल के दिखा रहे हैं। तो हम ढक्कन को खोल देंगे। आप देख सकते हैं ये मक्का एकदम कुकर में भर गया है, यानी कि हमारा ये 2.5 लीटर वाला कुकर है उसमें मक्का फूल हो गया है। तो आपने देख लिया पॉपकॉर्न बनाना कितना आसान है। अब हम इसे सर्व करके दिखाएंगे। तो चलिए हम इसे एक बॉल में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब देखिए कितना बड़ा बड़ा ये पॉपकॉर्न फूला है, मसालेदार पॉपकॉर्न अपना। पॉपकॉर्न को हमने बॉल में ट्रांसफर कर लिया। आपने देख लिया 5 मिनट में कितना बढ़िया पॉपकॉर्न बनकर तैयार हुआ है। पॉपकॉर्न बच्चे बड़े सभी को पसंद है। तो इस रेसिपी को आप भी जरूर ट्राई कीजिए। अगर आज की मेरी ये पॉपकॉर्न की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।